विधानसभा चुनाव 2019 से पहले दुष्यंत चौटाला को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि महावीर फोगाट और उनकी बेटी बबीता फोगाट भाजपा में शामिल हो गए हैं। दोनों आज दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में भाजपा में शामिल हो गए। बबीता और महावीर फोगाट ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की मौजूदगी में बीजेपी का हाथ थामा। इस दौरान बीजेपी के नेता रामविलास शर्मा और अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। हरियाणा प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन ने दोनों को पार्टी ज्वाइन कराई। इससे पहले महावीर फोगाट दुष्यंत चौटाला को समर्थन देते हुए जननायक जनता पार्टी में शामिल हुए थे। पार्टी में उन्हें खेल विंग का प्रधान भी बनाया गया था, लेकिन अब उनका भाजपा में जाना जेजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। हिंदुस्तान का कोई भी पार्टी 370 और 35 एक और हटाने वाले नहीं थी। मैं इससे प्रभावित होया, मैंने बड़ी इस चीज की बड़ी खुशी है। मैं एक बड़ा परिवार में आ गया और जो पार्टी जो मेरे जो जिम्मेवार लगाएगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ पार्टी को, मैं दिन रात करूँगा पार्टी के लिए और तन मन धन से। खासकर जो 370 जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हटाई है, उससे तो मतलब एक फैन भी नहीं मैं कह सकती कि मैं कुछ अलग ही, मन में एक अलग ही मुझे खुशी हो रही थी। मुझे लगता है पूरे भारत देश को इसके ऊपर खुशी होगी और हर कोई मुझे लगता है बीजेपी परिवार से जुड़ना चाहेगा, क्योंकि इतिहास के अंदर जो इन्होंने एक पन्ना जो पलट के रख दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वो शायद स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी पूरे बीजेपी परिवार को और आप सब लोगों का भी कि आप लोग यहाँ पे आए और हमें यहाँ पे सम्मान दिया, प्यार दिया, उसके लिए मैं एक बार आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम कर चुकी बबीता फोगाट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का जोरदार समर्थन किया था। बबीता फोगाट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद बीजेपी सरकार की तारीफ भी की थी। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह के एक भाषण को भी रिट्वीट किया था। बबीता फोगाट ने अपने ट्वीट में लिखा था, लट काट दिया, धुम्मा ठा दिया। बता दें कि हरियाणा असेंबली चुनाव अक्टूबर में होने हैं और महावीर फोगाट और उनकी बेटी बबीता फोगाट के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।